नमस्कार दोस्तों, जमाई राजा सीजन 2 के 13वें एपिसोड में बहुत ही दिलचस्प दिखाया जा रहा है। 13वें एपिसोड में जमाई राजा के पार्ट से जो कि डी डी पटेल ने वो अपने घर लौट आती है मुंबई से। मुंबई से जो वो मुलाकात करके आती है अपने बेटे से, यानी उनका बेटा आज भी जिंदा है, जो कि पुलिस की नज़रों में और दुनिया की नज़रों में वो मर चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ आपसे और सभी से ये जासूस रखी गई थी, लेकिन डी डी पटेल का वो बेटा आज भी जिंदाबाद है। ठीक है, तो 13वें एपिसोड में आपको ये सब कुछ देखने को मिल रहा है कि डीडी पटेल का बेटे से मिलकर डीडी पटेल अपने वापसी आ जाती है रोशनी और सिद्धार्थ के पास में, जो कि सिद्धार्थ से और रोशनी से उन्होंने एक वादा किया था। वादा क्या किया था? वादा किया था कि मैं जैसे ही मुंबई से वापसी आती हूँ तो आप दोनों की शादी करा दूंगी। मुंबई से वापस आने के बाद मैं आप दोनों की शादी मैं पक्का करा दूंगी, क्योंकि इस प्रॉमिस के साथ ही डीडी पटेल अपने बाहर गई थी, जो कि मुंबई गई थी। मुंबई बोल के गई थी कि मुंबई मेरा कुछ इमरजेंसी काम है, क्योंकि इमरजेंसी काम के बहाने ही वहाँ से वो निकली थी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डीडी पटेल ने एक बोल रखा था कि मेरा बेटा नहीं है, तो वो अपने उसी बेटे को देखने के लिए गई थी और उसी से मिलने के लिए गई थी, क्योंकि डीडी पटेल इतनी चालाक दिखाई गई है कि फ़ोन पे बात नहीं करती इस तरीका से, जो कि गुप्त तरीका से अपने बेटे से वो फ़ोन पे बात करती हैं। तो अपने बेटे से मिलने के लिए अक्सर डीडी पटेल वहाँ पे जाया करती हैं, जो कि रोशनी और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री भी इसमें बहुत ही सॉलिड दिखाई गई है। और डीडी पटेल भी एक कसिनो चलाती हैं, कसिनो का बिजनेस है, और कसिनो का बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीका से है, जो कि सिद्धार्थ से वो पूरी टक्कर लेती नजर आती हैं। सिद्धार्थ भी इस रोल में काफ़ी जम रहे हैं, जो कि सिद्धार्थ का रोल प्ले कर रहे थे आपके फेवरेट रवि दुबे, और निया शर्मा बहुत अच्छा एक करेक्टर निभा रही हैं, जो कि रोशनी पटेल का निभा रही हैं, और उनका किसिंग सीन काफ़ी अच्छी तरीका से हिट हुए हैं। निया शर्मा की वजह से हॉट लुक काफ़ी लोगों को पसंद भी किया गया है, क्योंकि जमाई राजा सीजन 1 में जिस तरीका से निया शर्मा को पसंद किया और रवि दुबे को पब्लिक ने पसंद किया, वो लोगों में आज भी पूरी जमाई राजा सीजन 1 की टीम पूरी मिस करती है ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस के लिए देखो एक अच्छा करेक्टर की ज़रूरत होती है, जो कि ऑडियंस देखना चाहती है। वो अच्छा करेक्टर इस टाइम जमाई राजा के एपिसोड में आप लोगों ने सभी देखा था कि बहुत ही अच्छा एक करेक्टर दिखाया गया था, करेक्टर भी सुपर हिट साबित हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है कि उस करेक्टर में सभी की तरीका से फेवरेट जानकारी आप लोगों को पता है कि फेवरेट करेक्टर दिखाए गए थे जमाई राजा सीजन 2 में, बहुत ही कुछ एक अलग मोड दिखाया गया था। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि जमाई राजा सीजन 2 स्टार्ट हुआ था और इसका 13वां एपिसोड G5 पे तो प्रसारित नहीं किया गया आप लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए ये अलग से एक साइड है जिस पे हम आप लोगों को प्रसारित कर रहे हैं और पूरी की पूरी स्टोरी सुना रहे हैं। तो उस स्टोरी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तो मैं आपको सुना रहा हूँ जमाई राजा सीजन 2 की 13वां एपिसोड की, जो कि मुंबई से सिद्धार्थ की सासू माँ यानी डीडी पटेल आ जाती हैं, और डीडी पटेल का किसी को शक भी नहीं होता कि डीडी पटेल वहाँ पे करके क्या आ रही हैं, क्योंकि सबको तो यही लगा था कि शायद किसी बिजनेस के पर्पज़ से घूमने के लिए गई हैं, लेकिन वो बिजनेस के काम से नहीं गई थी डीडी पटेल। डीडी पटेल मुंबई अपने बेटे से मिलने के लिए गई है। वो बेटा क्यों छुप के रह रहा है ये आप लोगों के बीच में मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसने एक इसी जमाई राजा सीजन 2 में जो पुलिस वाला दिखाया गया उसकी मंगेतर का उसने खून कर दिया था, उसकी मंगेतर को उसने गोली से मार दिया था, जो कि उसी के डर से जमाई राजा यानी डीडी पटेल का जो बेटा वो छुप के रह रहा है, क्योंकि दुनिया की नज़र में वो मर चुका है। तो इधर एक ट्विस्ट और आ गया नया, जो कि सिद्धार्थ के ससुर यानी डीडी पटेल के हस्बैंड जो आज भी जिंदा हैं, क्योंकि किसी को इस बात का अभी तक अंदेशा नहीं है कि उनका हुआ क्या, लेकिन वो एक्सपायर हो चुके हैं। निया शर्मा का रोल बहुत ही दमदार रोल दिखाया गया है। निया शर्मा की बहुत ही अच्छी वापसी हुई है जमाई राजा सीजन 2 के उस पे सेट से, क्योंकि निया शर्मा ने एक दमदार रोल जो कि रोशनी पटेल का रोल निभा रही हैं, और सिद्धार्थ खुराना का रोल निभा रहे हैं रवि दुबे। और निया शर्मा की जोड़ी फेवरेट जोड़ियों में से गिनी जाती है, लोगों को काफ़ी मज़ा आया। और निया शर्मा के साथ साथ में रवि दुबे की जो जोड़ी वो अचित कौर के साथ में जमती है। अचित कौर की बात करें तो अचित कौर जो कि आप डीडी पटेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि डीडी पटेल का जो एक किस्सा सुना रहा हूँ आपको, जो डीडी पटेल का एक रोल जो बहुत अच्छा दिखाया गया है, डीडी पटेल का जो रियल नेम है वो अचित कौर हैं, जो कि पंजाब से हैं और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हैं। उनकी एक्टिंग की बात करें तो पब्लिक उनकी एक्टिंग की काफ़ी दीवानी है,
क्योंकि एक्टिंग के मामले में वो सबसे आगे नज़र आते हैं, क्योंकि फ़िलहाल की बात करते हैं तो वो सबसे हिट एक्टरनियों में से एक गिनी जाती हैं, क्योंकि निया शर्मा और रवि दुबे की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा जमते हो, किसी सीन काफ़ी वायरल हुए थे, जो कि रियल लाइफ में बात करें रियल लाइफ में रवि दुबे और निया शर्मा भी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है दोस्तों। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए तो आप सभी की जानकारी के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो आज की यही है कि 13वें एपिसोड में अब पोल खुलती जा रही है, क्योंकि फ़िलहाल आपको पता है कि सिद्धार्थ के जो ससुर हैं वो जिंदा हैं, और सिद्धार्थ को इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि उनके ससुर आज भी जिंदा हैं, क्योंकि निया शर्मा यानी निया शर्मा को तो आप समझ रहे हैं ना, रोशनी पटेल जो कि अपने पिताजी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं, अपने पिताजी को सबसे ज़्यादा मानती हैं, तो रोशनी पटेल के लिए ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि रोशनी के लिए सिद्धार्थ कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, तो रोशनी पटेल के लिए तो ये सबसे बड़ी खबर है। तो इस बात को सुन के हमें काफ़ी अच्छा लगा कि रोशनी पटेल के पिताजी जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं, तो यही आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ है। और इसमें अभी तो काफ़ी ट्विस्ट आने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप अगर वेब सीरीज़ पे इस सीरियल को नहीं देख पा रहे तो कोई बात नहीं है, मैं आपको अपने चैनल से हर एक न्यूज़ से अपडेट करवाऊंगा, हर एक न्यूज़ से रूबरू करवाऊंगा, मेरा काम है आपको सही न्यूज़ देनी, तो आप मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिद्धार्थ को बहुत ही एक गुस्सा और आक्रोश से भरा दिखाया है, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत ही अच्छी तरीका से इस रोल में परफेक्ट बैठते हैं, अपनी सासू माँ और रोशनी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, जो कि उनकी सासू माँ का भी एक दमदार रोल दिखाया गया आप लोगों के बीच में, और वो लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है, कहीं हद तक वो सीरियल सबके लिए फेवरेट भी बनता जा रहा है। रोशनी पटेल और डीडी पटेल का तो एक अलग ही दिखाया गया है, क्योंकि इन दोनों की जैसे सीजन वन में नहीं बनती थी इन दोनों की, ऐसे ही इनकी सीजन टू में भी नहीं बनती, क्योंकि रोशनी और डीडी की एक अलग ही तरीका की बॉन्डिंग दिखाई है, जो कि उनके लैपटॉप को छेड़ती हैं कभी कुछ जासूसी, क्योंकि निया शर्मा इसमें कुछ जासूसी के रूप में दिखाई गई हैं, जो कि अपनी मॉम की जासूसी करती नज़र आती हैं। तो फिलहाल के लिए तो आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो यही है कि निया शर्मा जो एक रोल निभा रही हैं आपको ये रोशनी पटेल का, तो वो रोल बहुत ही दमदार रोल है और जासूसी के रूप में नज़र आ रहा है। निया शर्मा की बात करें तो उनकी माँ और सिद्धार्थ के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग, जो कि सिद्धार्थ भी पूरे टाइम अपनी सासू माँ पे यानी डीडी पटेल पर नज़र रखते हैं, और जैसे टाइम मिलता है तो निया शर्मा के पास में किस करने के लिए रवि दुबे पहुँच जाते हैं, और जितना टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ में व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो व्यतीत करते हैं, चाहे वो घर हो चाहे वो कसीनो हो, क्योंकि कहीं पे भी उनके साथ में वो टाइम व्यतीत करने से नहीं घबराते, वहीं अपनी सासू माँ पे भी वो पूरी की पूरी नज़र रखते हैं, और उल्टी सीधे सवाल तो वो भी करते हैं। ठीक है, और वायरल फोटो की बात करें तो रवि दुबे और निया शर्मा बहुत ही हॉट लुक में दिखाए गए थे, वहीं एक कड़क अंदाज में डीडी पटेल को भी आपने देखा, क्योंकि डीडी पटेल का एक कड़क अंदाज आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है, क्योंकि डीडी पटेल की बात करें तो रियल लाइफ में वो सुपर हीरो की तरह ही एंट्री करती हैं, और जो लोगों के दिल और दिमाग में पूरी तरीके से बैठी हुई हैं। डीडी पटेल की बात करें तो डीडी पटेल की बेटी हैं वो एकदम कति जहर, क्योंकि वो कहर ढाती हैं लोगों पर, जो कि आपको तो पता है कि निया शर्मा की बॉल लुक हॉट सो हॉट लुक दिखाई देता है लोगों को, एक बेगम बादशाह एक काका काम करते हैं ये तीनों के तीनों, और तीनों के तीनों की एक्टिंग की बात करें तो अलग ही तरीका की एक दमदार एक्टिंग दिखाई गई, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है और काफ़ी सराहनीय एक्टिंग है वो। तो आप लोगों के बीच में जैसा कि अभी तक मैंने बताया था वो चीज़ आपको पता है, और बताने के बावजूद आप देख लीजिए जैसा भी है। ठीक है, हर एपिसोड मेरे चैनल से हर रोज़ प्रसारित किया जाएगा आप लोगों के बीच में, जो कि आप इस एपिसोड को पूरा देखिए, और कोई भी अगर क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो आप मेरे से वो चीज़ की क्वेश्चन डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आपको ये एपिसोड भी कैसा लगा वो भी आप मेरे को ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हर एक एपिसोड का एक एक्शन का रिएक्शन होता है, जो कि आप वो रिएक्शन कर सकते हैं। अगर देखिए जो भी आपकी आपको कुछ पूछना है या आपका कुछ डाउट है तो आप वो डाउट भी मेरे से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक डाउट का आपको आंसर दूंगा दोस्तों, मेरे एक फॉर्मेलिटी है जो कि आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो डीडी पटेल का जो एक रोल निभा रही थी अभी तक वो आपको अचित कौर के रूप में दिखाई दे रही थी, सिद्धार्थ का रोल जो निभा रही थी, सिद्धार्थ का रोल बहुत ही अच्छी तरीका से रवि दुबे क्लियर कर रहे थे,
जो कि आप पूरी टीम को तो खैर मिस कर रहे ही होंगे क्योंकि पूरी टीम को मिस करने का काम भी सही है, लेकिन उनके साथ साथ में अचित कौर जो निभा रही थी और डीडी पटेल का किरदार निभा रही थी। डीडी पटेल के किरदार में बहुत ही अच्छी तरीका से शो पर जोड़ी दिखाई गई, जो कि डीडी पटेल और रोशनी की जोड़ी भी लोगों के काफ़ी दिलों में और दिमाग में बैठी हुई है, क्योंकि बहुत ही सुपरहिट सीरियल रहा है ये। जमाई राजा सीजन 2 का वेब सीरीज भी काफ़ी सुपरहिट बनी है, जो कि लोगों ने काफ़ी सराहनीय की है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आई है। तो इसके बाद देखिए कि कौन सी सीरीज आती है आप लोगों के बीच में। फिलहाल तक तो अगर ये सीरीज है तो इसको आप पूरी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। इंजॉय करने के बाद में कोई भी आपका क्वेश्चन या डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। और सबसे